नमस्ते। हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रूटीन स्टाइल कॉर्नर। सो आज की वीडियो होने वाली है, बहुत ही रैंडम वीडियो है। आई रियली डोंट नो मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ। बस जो जो भी मेरे साथ होता जाएगा वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो बेसिकली आज क्या होने वाला है ना, अभी आई थिंक दिवाली का हैंग ओवर खत्म हुआ है। हालांकि अभी 11 बची हुई है, हमारे 11 भी बहुत अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करते हुए हैं। 11 मतलब होता है तुलसी जी की शादी होती है, उसके बाद से हमारे यहाँ ये रिचुअल होता है कि नाउ यू कैन, मतलब शादियाँ स्टार्ट हो गई हैं और कुछ वेजिटेबल्स होते हैं। जैसे अभी का ये जो 4 महीना होता है ना, इसमें हम लोग कुछ तरह की वेजिटेबल्स होते हैं जो हम खाते नहीं हैं, वो 11 से आना स्टार्ट हो जाती है, मतलब हम लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरे ननिहाल साइड में, मतलब मेरी मासी और मेरे जो मामा लोग हैं, हम सबको मिला करके टोटल वी आर 14 ब्रदर एंड सिस्टर, जिसमें से सिर्फ 2 लड़कियां हैं, बाकी सारे लड़के हैं। जो बड़ी दीदी हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, शी इज़ मैरिड, शी हैज़ 2 किड्स एंड सेकेंड नंबर पे मैं हूँ, बाकी सब लड़के हैं। तो 3 लड़कों की शादी हुई है और अभी पूरी फौज हमारे यहाँ बची हुई है। मतलब जनवरी में कज़िन की शादी है, तो उसकी वाइफ को, मतलब वो मुझसे छोटा है काफ़ी, एंड उसकी वाइफ को हम लोग कुछ गिफ्ट करेंगे। तो हमारे यहाँ ऐसा कल्चर होता है कि बहुओं को यूजुअली गोल्ड ही दिया जाता है ताकि उसको काम आए, वो पहने और ऐसा सब होता है। मतलब मेरे घर की तरफ की फैमिली में मैं बता रही हूँ, इधर इन लॉज के यहाँ अलग कल्चर है, बट हमारे यहाँ पे यूजुअली बहुओं को गोल्ड ही देते हैं मुँह दिखाई में। हाँ, पहले ऐसा हो रहा था कि मैं अपना कुछ पर्सनल देती और मेरी मम्मी और मेरी मासी तो मिलकर ही देती हैं, वो लोग अपना कुछ और देते। फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने मेरे से पूछा तुम्हारा कितने तक का बजट है और तुम क्या देने वाली हो, तो मैं तो थोड़ा ऐसा डेंटी या डेलिकेट सी कुछ चीज़ देने वाली थी ताकि वो पहने खुशी खुशी। मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ ऐसा कुछ देना कि जो लड़कियाँ आ रही हैं वो पहने भाई, ऐसा आप ऐसा आंटी टाइप का कुछ दे दो तो वो पहनेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा हो रहा था। फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि आप जो एक का बजट हो रहा है, अगर हम तीनों ऐड कर लेंगे, कॉन्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो एक बहुत अच्छी चीज़ आ जाएगी उसके लिए, जो वो पहनेगी भी और हैवी भी रहेगी पहनने में। तो फिर वैसे ही डिसाइड हुआ है। मेरी मासी का भी, मेरी मासी को मेरी पसंद काफ़ी अच्छी लगती है गोल्ड वगैरह में, वेरी गुड एट शॉपिंग गोल्ड। मैंने आई थिंक अपने किसी Q&A वगैरह में या किसी ब्लॉग में बताया हुआ है कि मेरे को ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बड़ा चाहिए गोल्ड शॉपिंग करने के लिए, मैं बहुत फाड़ू कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, बड़ों से अच्छी कर लेती हूँ उल्टा, है ना। तो मेरी मासी ने बोल दिया रुचि चली जाएगी, वो देख लेगी, जबकि वो शी लिव्स इन इंदौर, उनकी एक बहू भी है, 2 बेटे हैं उनके, बट वो उन लोगों के साथ नहीं होने वाला, रुचि ले आएगी उसकी पसंद का। फिर उसके बाद मम्मी ने भी बोला कि तुम्हारे, मम्मी बोला आप चल रही होगा, तो मम्मी बोलती नहीं तुम ले आओ जो तुम्हें पसंद आया वो। तो मैं आज वही जाने वाली हूँ। डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू गिव हर डायमंड्स, बिकॉज डायमंड के साथ मैंने आपको बताया ना क्या फंडा होता है कि आपको फिर उसी शॉप पे जा करके चेंज करना होता है। तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गिव हर समथिंग इन गोल्ड, सॉलिड गोल्ड में। सो यस, वहीं आज जाना है, तो चलिए चलते हैं गोल्ड शॉपिंग करने। मैं वीडियो कॉल करके जब मम्मी लोगों को बताऊंगी ना, तब मैं थोड़े से क्लिपिंग्स बना लूंगी। ऑब्वियसली वीडियो अलाउड नहीं होता है, बट हम ट्राई करेंगे थोड़ा सा वीडियो बनाने का। ओके गाइस, मार्केट वार्केट जाने से पहले रेडी होती हूँ, उससे पहले सबसे पहले मैं अपने बॉडी में लगाने वाली हूँ ये लोशन, क्योंकि अब विंटर्स आना ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ भोपाल में तो वेदर सुबह शाम की ठंडक होना स्टार्ट हो गया, आई एम श्योर नॉर्थ के जितने भी जगह होंगी वहाँ पर आपको फील होने लगा होगा, बिकॉज यहाँ पे फील होने लगा है। तो जब विंटर्स आना स्टार्ट होने वाले होते हैं, जब वेदर चेंज हो रहा होता है, तो आपकी स्किन बहुत ही अजीबोगरीब बिहेव करती है, कि जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो जाती है एंड साथ ही साथ डलनेस आना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको भी ये चीज पता होगा कि जो हमारे पहले के पुराने नानी दादी वाले जो नुस्खे होते थे, जो DIYs होते थे, उनका तोड़ तो कुछ है ही नहीं, लेकिन उन DIYs को करना एक अलग से अपने में बहुत बड़ा पेन है। यूजुअली हनी एंड मलाई का जो DIY होता है, वो एक वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स माना जाता है, जो विंटर के लिए बेस्ट वर्क करता है, क्योंकि मलाई जो है वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है एंड जो हनी है वो आपकी स्किन को एक नरिशिंग ग्लो प्रोवाइड करता है। ये जो हनी मलाई वाला DIY है, ये इजी नहीं होता है, उसके 2-3 रीजंस है। एक तो वो कि जब आप उसको बनाते हो तो आपके फेस पे वो जो ड्रिपिंग होती रहती है, टपकता रहता है आपके फेस से। दूसरी चीज, हर बार अवेलेबल नहीं होता है कि आपके पास मलाई अवेलेबल हो घर पे, टाइम कंज्यूमिंग इतना ज्यादा हो जाता है कि आप हफ्ते में एक बार या 2 बार ही कर पाते हो ना, क्योंकि टाइम बहुत लगता है उसको प्रिपेयर करने में, राइट। बट दिस विंटर यू कैन एंजॉय द नेचुरल गुडनेस ऑफ हनी एंड मलाई विदाउट एनी हैसल विद दिस न्यूली लॉन्च मामाअर्थ का हनी एंड मलाई बॉडी लोशन एंड कोल्ड क्रीम। इनके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो है ऑब्वियसली हनी एंड साथ ही साथ मलाई। तो हनी क्या करता है, आपकी स्किन को प्रोवाइड करता है टाइटर ग्लोइंग स्किन, और जो मलाई है वो आपकी स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है। जो की बेनिफिट है ना, वो है डीप मॉइस्चराइजेशन एंड ग्लो, साथ ही साथ हेल्प्स टू अब्सॉर्ब एंड लॉक द मॉइस्चर। बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, आपकी जो ड्राई स्किन है उसको बहुत ही अच्छे से सूदन आउट करता है। आपको इनके प्रोडक्ट्स को यूज करने में ये नहीं सोचना है कि आप डेली
यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल बिंदास आपको डेली यूज करना है, बिकॉज इट इज फ्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स। सो इस विंटर ग्लो नेचुरली विद मामा अर्थ का हनी एंड मलाई रेंज। लुक एट दिस, नरिश्ड लग रहे हैं। एंड सबसे मेन चीज ये कि ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं लग रहा है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जैसे मैंने इसको लगाया ना, तो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आ रही थी। नाउ ये जो कोल्ड क्रीम है, इसको आप अपने फेस पे भी लगा सकते हो, बॉडी पे भी लगा सकते हो एंड आप अपने फेस पे भी लगा सकते हो। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे दूंगी। स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे, यू विल गेट 20% ऑफ मामाअर्थ की वेबसाइट एंड साथ ही साथ ऐप पर। जब भी आप मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट मामाअर्थ की वेबसाइट से परचेस करेंगे, मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। इसके पीछे का पर्पस ये है, आप एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट ले रहे हैं, साथ ही साथ आप अर्थ को भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। सो ये जो क्रीम एंड लोशन है, इनका बिल्कुल ही नॉन स्टिक फॉर्मूला है, तो इसको बहुत ज्यादा इजी बना देता है एंड बहुत ज्यादा लाइट वेट भी है। मामाअर्थ हैज लॉन्च देयर गुडनेस इनसाइडर प्रोग्राम, विच इज देयर लॉयल्टी प्रोग्राम, जो कि उन्होंने सबके लिए बनाया है। यू गेट फ्री शिपिंग एंड फ्री गिफ्ट्स ऑन एवरी ऑर्डर, एक्सक्लूसिव सेल्स एंड ऑफर भी है, लेकिन वो सिर्फ इनसाइडर्स के लिए है। सो लिंक टू बिकम एन इनसाइडर इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक कर लीजिएगा। सो ये जो प्रोडक्ट्स हैं आर आल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, Nykaa एंड Flipkart। एंड अब चलिए चलते हैं मार्केट की तरफ। पर गाड़ी भैया, गाड़ी लगाने की जगह नहीं है, गाड़ी लगाने की आज जगह नहीं है। With this shopping. So, अभी शादी तो actually time है, January में है, but still gold के rates अब थोड़े और ऐसा लगता है मुझे high हो सकते हैं, कभी भी कम तो कभी नहीं होते, बढ़ते ही जाते हैं। तो जितना जल्दी आपको पता चल जाए कि हाँ किसी के लिए लेना है, तो उससे पहले ले लो। और मुझे भी एक बहुत प्यारा जड़ाऊ, आप लोग समझते हो कि नहीं समझते, आई डोंट नो। तो जड़ाऊ मतलब होता है जिसमें बहुत प्यारे प्यारे ना ऐसे जड़े हुआ काम होता है। यूजुअली ये जो जड़ाऊ वाले सेट्स होते हैं ना, ये हैंडमेड होते हैं, तो इनके जो मेकिंग होता है, क्योंकि मेकिंग करने में इनको बहुत मेहनत लगती है, तो एक्सपेंसिव होते हैं। तो मुझे एक जड़ाऊ का बहुत सुंदर सेट लग रहा था, मतलब लिटरली अगर आप डायमंड उसके साथ में रख दो और जड़ाऊ रख दो ना, तो यूजुअली जड़ाऊ बहुत सुंदर होता है, और बहुत कम शॉप्स वाले ऐसे होते हैं जो बनाते हैं। तो मुझे एक बहुत पसंद आया है, लेट्स सी, देखते हैं कभी हुआ तो लिया जाएगा उसको, बहुत सुंदर लगा मुझे वो। तानिश कैरेट लेन वगैरह में अब देने लेने के हिसाब से नहीं लेने जाते हैं, क्योंकि तानिश वाले मेकिंग कम नहीं करते हैं और एक्सपेंसिव रहती है उनकी मेकिंग। भाई उनका 25 से यूजुअली उनकी मेकिंग स्टार्ट ही होती है बहुत बेसिक सी 21% से, तो और फिर वो हाई होता जाता है, मतलब 35-40% भी उनकी मेकिंग रहती है, तो मुझे वो ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है। आप अपने लिए जैसे आपको बहुत अच्छी कोई वाव डिजाइन लग रही है तो यू कैन बाय इट, अदरवाइज तनिष्क की मेकिंग डेफिनेटली महंगी रहती है, नो डाउट क्वालिटी अच्छी रहती है। तो यहाँ पे 4-5 अच्छे ज्वेलर्स हैं, काफी पुराने हैं, जिनसे हम लोग कभी कभी ले चुके हैं कुछ ना कुछ सामान, तो मैंने ऐसे यहाँ से लिया। और बढ़िया वीडियो कॉल वगैरह करके मैंने मम्मी को दिखाया, फिर मैंने मासी को दिखाया, मेरी मासी ने बोला जो तुमको पसंद आ रहा है तुम वो ले लो, तो अभी हम तीनों की तरफ से हो गया है। ओके, तो काफ़ी थक गई हूँ मैं, क्योंकि मैं ना पहले एक शॉप पे गई थी, वहाँ का तो मैंने खैर वीडियो नहीं बनाया है, पहले मैंने वहाँ जाकर के क्रॉस चेक किया, फिर मैंने दूसरी शॉप पे जाकर क्रॉस चेक किया, फिर फाइनली मैं एक जगह जाकर के ले गई, तो मुझे 3-4 घंटे हो गए, सो आई एम वेरी टायर्ड राइट नाउ। तो अब मैं आप लोगों से डायरेक्टली मिलती हूँ कल और या फिर परसों, कल अगर कुछ होगा तो कल मिलूंगी, अदरवाइज मैं परसों मिलूंगी। सो या तो उसी दिन ना छठ भी थी, मतलब छठ पूजा भी थी, तो हम लोग यहाँ पर शाम को जो पूजन होती है वो देखने के लिए गए। दो हम लोग ये रिचुअल जो है वो फॉलो नहीं करते हैं, बट हमारे आसपास काफ़ी सारी जगह पे छठ पूजा हो रही थी, तो ये बिल्कुल हमारे घर के पास में ही था, तो मैं, मेरी मदर एंड लॉ विक्की, हम लोग देखने के लिए गए। बहुत अच्छा लग रहा था और काफ़ी, मतलब आफ्टर कोविड ना, एक्चुअली मैं पहले मैं भी इतनी चीज़ें इन्जॉय नहीं करती थी, बट आफ्टर कोविड हर तरह के कस्टम्स, फेस्टिवल्स, हर चीज़ मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। भले हम उसको सेलिब्रेट नहीं करते हैं तो क्या हुआ, बट दूसरे सेलिब्रेट करते हैं वहाँ से, बढ़िया हाथ वाथ जोड़ करके आ गए। मेरे मम्मी पापा भी हमेशा जाते थे यहाँ पे, बट अभी इस बार वो नहीं गए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर वो चले जाएंगे फिर से। फिर वहीं से हम लोग निकल गए थे प्लांट्स वगैरह लेने के लिए, चेकआउट करने के लिए, बिकॉज यूजुअली विंटर्स में बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक आना स्टार्ट नहीं हुए हैं। हम वही देखने के लिए गए थे कि कुछ अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल प्लांट्स हो, तो हम लोग लेकर के आए फ्लावर्स वाले, फ्लावरिंग प्लांट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, बट अभी तक वो नहीं आए हैं। तो फिर नॉर्मल ऐसे गेंदे वेंदे जो बेसिक से होते हैं वही हम लोग लेकर के आ गए। ओके
ओके गाइस, तो जैसे कि कल आपने देखा कि मैं जो पूरा स्टेशनरी का सामान है वो लेकर के आई थी, तो मैं एक्चुअली इसलिए लेकर के आई थी बिकॉज दो तीन पर्पस हैं। एक तो सबसे पहला पर्पस ये है कि मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। क्लासेस इन द सेंस मीन्स मैं अभी एक और लेवल करने वाली हूँ। ये लेवल कर लूँगी तो मेरा जो पूरा कोर्स है वो कम्प्लीट हो जाएगा। लाइक आई कैन इवन गिव, मैं फिर कोच भी बन सकती हूँ, मतलब मेरे को कोच की अथॉरिटी मिल जाएगी। अभी आई एम ओनली अ कंसल्टेंट, ओके। सो ये जब मैं लेवल कर लूँगी तो आई कैन बिकम अ कोच एज वेल, मैं आप लोगों को सिखा भी पाऊँगी। सो आई एम डूइंग दैट। नवंबर में मेरा वो स्टार्ट होने वाला है और मेरी जो डायरी है जिसमें मैं सब कर रही थी वो पूरी फुल हो चुकी है, तो उसके लिए मैं डायरी लेके आई हूँ। फिर हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, वो जब हो जाएगा ना तब मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो मैं उसमें जो छोटी छोटी पतली पतली कॉपीज लाई हूँ, एक मम्मी के लिए लाई हूँ, एक पापा के लिए लाई हूँ, एक मैं अपने लिए लाई हूँ, तो ऐसा है। और उसके बाद मुझे ना हम लोग इस तरीके का ट्रैकर बनाते हैं पापा के लिए, ये है। तो इसमें लिखा हुआ है आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम वॉकिंग, आई एम रनिंग, ऐसे करके मैंने पूरा लिखा हुआ है। एंड देन सारे मंडे ट्यूजडे वेनसडे डेट्स लिखे हुए हैं, उसमें कितनी बार वो अनुलोम विलोम करते हैं वो ट्रैक करते हैं, कितने बार वो पेट खींचने वाली एक्सरसाइज करते हैं, वो कितने देर के लिए वो बैठ रहे हैं। तो हम लोग पूरा इस तरीके का ट्रैक कर रहे हैं। तो वी नो द एग्जैक्टली डेट्स कि जब फर्स्ट वो बैठना स्टार्ट हुए हैं, फर्स्ट कोई अच्छा मूवमेंट हुआ है उनकी बॉडी में, फर्स्ट कुछ ये हुआ है अच्छी चीज़ें, तो हम वो भी ट्रैक कर रहे हैं। इससे हमको सब कुछ पता चल रहा है। फिर कभी डेज होते हैं कि उनका पैर बहुत ज़्यादा दुखता है तो वो हम ट्रैक कर पाते हैं। सो इस तरीके का मैं ट्रैकर बना रही हूँ। तो वही ये जो ट्रैकर है इधर तो पूरा फुल हो चुका है। सो नाउ आई एम मेकिंग अ ट्रैकर दिस साइड। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि आप जो देखते हो, जो आप सोचते हो, विजन बोर्ड जिसको बोलते हैं, उसकी बहुत इम्पैक्ट होती है। तो मैंने नए जो पिक्चर्स हैं, जो मैंने पहले जो बना करके रखे थे ना विजन बोर्ड्स वहाँ पर पापा के वहाँ पर, वो चेंज भी करे हैं और थोड़े अच्छे करे, कलरफुल, कि उनको देखने में भी अच्छा लगे, बिकॉज ऑलरेडी 3.5 मंथ्स हो गए तो वो काफ़ी बोर हो गए होंगे वो देख करके। सो दैट्स वाई वो चेंज करा है और अभी मैं ये ट्रैकर बना रही हूँ। जब ये ट्रैकर बन जाएगा ना तब आई शो यू कि मैंने क्या बनाया हुआ है। कलर्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट एंड वी आर ब्लेस्ड कि हम उन कलर्स को देख पाते हैं, तो इसलिए कलर्स को यूज़ करना चाहिए, जितना हो सके हर जगह उतनी कलर्स को यूज़ करना चाहिए। तो वही बना रही हूँ मैं अभी। तो हम लोग उस दिन चले गए थे फिर गायत्री मंदिर। एक्चुअली कुछ तो फेस्टिवल था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो उसमें ना गाय को चारा खिलाना होता है, तो चारा तो अवेलेबल नहीं था बिकॉज़ काफ़ी लोग आ गए थे, वो फेस्टिवल था, तो हम लोगों ने केले खिला दिए। वैसे हमारे घर के सामने से डेली गाय निकलती है, तो मेरे फादर इन लॉ और मेरी मम्मी दोनों नियम से सुबह शाम गाय को खाना खिलाते हैं। बहुत सारी गाय को हमको खिलाना था तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ आ गए थे, बिकॉज़ यहाँ बल्क में गाय प्रेजेंट है और हम लोगों को कुछ कुछ सामान भी लेना था। तो यहाँ जब भी हम आते हैं तो एक तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप भोपाल में हैं तो आप दो टेम्पल्स में 100% आपको रेकमेंड करूँगी, एक तो करुणा धाम आश्रम और दूसरा गायत्री मंदिर, ज़रूर ज़रूर आइएगा, आपको यहाँ की वाइब भी अलग लगेगी। वैसे तो सभी टेम्पल बहुत अच्छे हैं बट यहाँ पे एक कुछ अलग ही है, मतलब मेरे फेवरेट है ये। फिर यहाँ पे रुद्राक्ष वगैरह भी अवेलेबल था, तो हम लोग, मैं देख रही थी, मैंने लिया नहीं, मैं चेक कर रही थी रियल है कि नहीं है। और फिर थोड़ा बहुत सामान, मतलब यहाँ का सामान बहुत अच्छा रहता है, प्योर रहता है, कोई मिलावटी नहीं रहता, केमिकल्स वगैरह नहीं रहते, तो इसलिए हम जब भी यहाँ पर आते हैं तो जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं वो ज़रूर लेते हैं। बैक फ्रॉम द टेम्पल और जो गायत्री मंदिर है ना, वहाँ से हम कुछ चीज़ें लेकर के आए। अगर आपको ध्यान होगा तो मैं गणपति जी भी वहीं से लेकर के आई थी, तो हमारे यहाँ अगरबत्ती, कपूर, ये सारी चीज़ें हम यूजुअली अगर वहाँ जाते हैं तो वहीं से लेकर के आते हैं। सो दिस टाइम आई गॉट दिस भीम सैनी कपूर, ये लेकर के आए हैं। दिस इज़ द गूगल, जो प्योर फॉर्म में होता है ये वैसा नहीं है, ये जलाने वाला गूगल है क्योंकि उसको आप नॉर्मली जला नहीं सकते हो। फिर दिस इज़ द टीका चंदन, उसके बाद ये लेकर के आए हैं, कंडे लेकर के आए। तो मैंने ये काफ़ी सारे पैकेट्स लेकर के आ गई हूँ बिकॉज मैं बहुत दिन से भीमसैनी ढूंढ रही थी बट मुझे मिल नहीं रहा था। मेरे कुछ गेस्ट आने वाले हैं तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस, सो आज है नेक्स्ट डे, तो आज हम लोग जा रहे हैं, मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है के जो फादर हैं ही इज़ नो मोर, तो आज उनका एक होता है ना जो तेरवी होती है, मैं और विक्की वहीं जा रहे हैं। सो एक्चुअली हमारा दिवाली के जस्ट 3-4 दिन बाद मिलने का प्लान था। ऑफ माई फ्रेंड इज़ ऑल्सो गेटिंग मैरिड, तो हम लोग का ऐसा था कि चलो मिल लेंगे दिवाली के बाद अपन सब बैठ करके। तो दूसरी जो एक और फ्रेंड है जो हम सब प्लान कर रहे थे उसमें से एक फ्रेंड का ऐसा हो गया, आज हम लोग वहीं जा रहे हैं विक्की और मैं। आज कल 11 भी है तो पूजा के लिए बहुत सारा सामान लेकर के आना है। 11 मतलब वही मैंने आपको बताया ना, इसके बाद शादियाँ वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं। मैं वहाँ से पहले आ जाती हूँ फ्री होकर के, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी।
ओके गाइस, तो ये है समन्यु, इसको मैं अभी लेकर के आई हूँ। ये हमारे पुराने सोसाइटी में जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पर रहता है और पापा का फ्रेंड है ये। मतलब ये लिटरली फ़ोन करके बुलाता है, पापा से मिलने के लिए आता है। जब पापा एकदम ठीक थे तो डेली उनके साथ दूध लेने के लिए जाता था और ऐसा, तो फ़ोन करता है वहाँ से और फिर आने की जिद करता है। तो यहाँ पर रहता है आराम से एक डेढ़ घंटा। और अपने घर जाना है? नहीं जाना, अपने घर नहीं जाना इसको। यहाँ क्यों अच्छा लगता है आपको? क्यों अच्छा लगता है? नहीं तो क्यों अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। क्यों? दीदी कैसी है? एक नंबर। अंकल जी कैसे हैं? एक नंबर। आंटी जी कैसी हैं? एक नंबर। समन्वय कैसा है? एक नंबर। दो नंबर। दो नंबर। बाय करो, बोलो बाय गाइस। बाय गाइस। वो भैया चश्मोटी चोर बनेंगे, मेरी गोदी पुचडी मई दियो यो ना प्रचोदयत। बाय। वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब की, बहुत सारे लाइक। सो क्योंकि मैं लास्ट 4 मंथ से यहीं पर हूँ, तो जितना भी मेरा पीआर का सामान है ना, वो सब यहीं पर आ रहा है। एंड यहाँ पर अभी स्टोरेज एक्चुअली में प्रॉब्लम है, बिकॉज मैंने आपको बताया ना हम किस सिचुएशन में यहाँ शिफ्ट हुए हैं। तो हमने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज, बस टेम्प्रेरी बेसिस पे हमने ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो हाँ, तो मेरा क्योंकि सामान यहाँ पर बहुत सारा आ गया है, तो मैं वही थोड़ा सॉर्ट कर रही थी कि मुझे क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, क्या क्या मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। बिकॉज इतना सारा सामान आ जाता है कि मैं अकेले तो ऑब्वियसली यूज़ करने नहीं वाली हूँ, ना ही मेरी मम्मी इतना यूज़ कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो वही सब सॉर्ट चल रही है। ओके गाइस, मैंने पेपर पर ऐसे कुछ सामान मंगवा करके रखा हुआ है, तो मैं वही आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो बेसिकली मैं पेपर फ्राई के साथ काम करती हूँ, उससे रिलेटेड ये सामान आया है। मैंने अपने पैसों से नहीं मंगवाया है। सबसे पहले जो, और लेकिन जो सामान आया है वो बिल्कुल मेरी चॉइस का है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मेरी फेवरेट चीज़ जो आई है, मतलब जब ये आया ना, उसको देख करके मैं इतनी खुश हो गई थी। और ये बहुत ही अमेजिंग टॉप नॉच क्वालिटी का आया है सब कुछ सामान। तो सबसे पहले आते हैं इस पे। तो मैंने एक पुराना ऐसे जो सेट होता है ना, वो मंगवा करके रखा है इन द शेड गोल्डन। सो बेसिकली इनका जो मटेरियल है ना, दे आर स्टेनलेस स्टील बट इन द गोल्ड कलर। मेरे पापा ऐसे हंस रहे थे जब मैं उनको बता रही थी कि ये, पापा बोलते हैं इसको बस डाइनिंग टेबल पे रख के सजा करके रख देना, यूज़ करने के लिए तो मज़ा, मतलब ऑब्वियसली इतनी प्यारी है, इनको यूज़ करने का मन नहीं करेगा फॉर श्योर। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, दाल लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए, कोई भी चीज़ लेने के लिए, सर्विंग स्पून टाइप की है, सर्विंग स्पून नहीं बोलेंगे ये एक्चुअली यूज उसके। फिर उसके बाद दूसरा ये है चावल लेने के लिए, के बाद नेक्स्ट आती है ये राइस लेने के लिए इसके ऊपर। सो आई थिंक, मुझे नहीं पता, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे नीचे करेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इस तरीके का स्पून हमने कभी यूज़ नहीं करा हमारे घर में। सो आई थिंक ये शायद नूडल्स, मैगी, सेवैया की खीर, इस तरीके की चीज़ें लेने के लिए होता है क्या, है ना, थोड़ा अलग टाइप का है, बट माय गॉड आई लव्ड इट लिटरली। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ये। अब ये किस चीज़ के लिए होता है, डू लेट मी नो। ये मतलब मैं इसे क्या करने वाली हूँ, क्या सर्व करूँगी, या इससे क्या कुकिंग करूँगी, क्या होने वाला है इससे, इसका भी मुझे बताइएगा, मुझे इसका भी समझ में नहीं आ रहा है। आपको मेरा मंदिर याद ही होगा, तो मैंने ना अपने भगवान के लिए ये मंगवाया हुआ है। लुक एट दिस, सो क्यूट। नाउ दिस इज़ द ब्रास का थाली सेट, थोड़ा एक्सपेंसिव आता है ये, तो इसको मैं आपको बताती हूँ। टू सा है, बट आई थिंक दिस इज़ गुड फॉर माई, मेरे टेम्पल के लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट है। तो ये थाली है छोटी सी, आप साइज़ देख सकते हो, इतने साइज़ का है। उसके बाद और छोटा सा ग्लास है, तो इसको हम रख देते हैं इसके ऊपर। तो इसको आप ऐसे ओपन कर सकते हैं लाइक दिस में, और छह, तो एक छोटी सी क्यूट सी एक कटोरी, तो ये रख दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद स्पून पे थोड़ी सी ऐसे कार्विंग करी गई हुई है, ये दिख रहा है इस तरीके से कुछ कुछ कार्विंग करा हुआ है। सो दिस इज़ द सेट। तो एक कटोरी है, एक ग्लास, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आई है वो आई है, तो दिस इज़ बहुत ही प्यारा लग रहा है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, एकदम परफेक्ट साइज़ में है। और इसमें ना ऐसे ऑरेंज कलर का, मतलब गोल्डन एंड ऑरेंज की थीम का मैंने मंगवाया है, फेस्टिव को ध्यान में रखते हुए। तो आप यहाँ पे मस्त पानी भर के फ्लावर्स वगैरह रख सकते हो, या फिर आप कुछ भी ऐसे बीच में रख के सेंटर टेबल पे रख सकते हो। अब इसमें बेस्ट चीज़ पता है क्या आई है, इन लोगों ने यहाँ पर ना दो ऐसे तार दिए हुए हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज़, आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ बांध करके इसको इस तरीके से हैंग भी कर सकते हो अपने वॉल्स पे। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि ऐसे 2-3 और मंगवा करके आप एक बहुत अच्छा सा फेस्टिव टाइम में वॉल डेकोर भी बना सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। मतलब मैंने ऐसा तुक्का लगाया, गैस लगाया है, बट हाँ, दिस इज़ वेरी वेरी
वेरी ब्यूटीफुल. या दैट्स इट फॉर द वीडियो. अगर वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.